हेलो एवरीवन, मेरा नाम उमेश है और मैं इंडिया से हूँ और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हाउ यू कैन अपलोड एंड मेक योर डिज़ाइन एंड अपलोड इन जैक ऑफ ऑल थ्रेड्स। ठीक है, ये फर्स्ट मेरी सीरीज की फर्स्ट वीडियो है, सीरीज क्रैश कोर्स की। तो चलिए मैं आपको लेके जाता हूँ जैक ऑफ ऑल थ्रेड्स पे। चलिए, और जैक ऑफ ऑल थ्रेड्स पे हम आ गए हैं, आप देख सकते हैं। और इससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा आपको आपको कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो मेरे यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज पे आकर, ये लिंक मैंने नीचे दिया होगा, कॉन्टैक्ट पेज पे यहाँ पर आप आकर मेरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं और मैं आपकी उसी टाइम हेल्प कर दूंगा। ठीक है, फ्रॉम 9 AM टू 7 PM जो है आप मुझे मैसेज या कहीं भी यहाँ पे यूट्यूब वगैरह पे या फेसबुक पे कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलो चलिए चलो चलें जी। तो हम आ गए हैं जोट पे, जैक ऑफ ऑल थ्रेड्स पे, जो कि टी शर्ट डिज़ाइनिंग कंपनी है। ये आपको बताए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसमें डिज़ाइन अपलोड करना है अपना। ठीक है, तो सबसे पहले आप लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप प्लीज़ साइन अप कीजिए इसमें और अपना अकाउंट रेडी कीजिए। ठीक है, मेरा है तो मैं ऑलरेडी लॉगिन करता हूँ। ये मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया, अभी मैं लॉगिन हो गया हूँ प्रॉपरली। ठीक है, माय अकाउंट में। अभी मैं आपको बताऊंगा, पिछली वीडियोस में मैंने जस्ट एक ओवरव्यू के अकॉर्डिंग बताया था आपको कि मैंने ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप कैसे काम करते हैं। तो मैं आज आपको फर्स्ट स्टेप का बताऊंगा, डिज़ाइनिंग कैसे करनी है आपने और ये कैसे इसको अपलोड करना है। और ये बाकी वीडियोज मेरे अगले सेशन में आ रही हैं, अभी के लिए ये इस पर कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आप यहाँ पे आ गए, जब आप लॉग इन हो गए, तो आपको अभी आप लॉग इन हो गए हैं जब आप, तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, या फिर गेट स्टार्टेड पे करेंगे या फिर स्टार्ट कैंपेन में। मैं करता हूँ स्टार्ट कैंपेन पे। ठीक है, दोनों दोनों जगह पे क्लिक करने से आप सेम ही जगह पर पहुँचोगे। और ये अभी लोड हो रहा है, लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि जो एडिटर होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है, इनका थोड़ा सा हैवी, तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोड होने के लिए। देखिए ये लोड हो रहा है प्रॉपरली, और ये देखिए अभी लोड हो गया प्रॉपरली, बढ़िया। तो अभी ये यहाँ पे दिखा रहा है आपको डिज़ाइन योर टी। सबसे पहले हम इसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग पे। फिर आप करेंगे, मैं सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा सेट योर प्राइस आपने कैसे करना है, फिर इसको कैसे लॉन्च करना है, एडिट डिस्क्रिप्शन और टाइटल जो भी इसको बाकी ऐड करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं डिज़ाइनिंग योर टी। सबसे पहले ये आपको ऐसे ब्लैंक पेज दिखाएगा, मैं ज़रा अपना फेसबुक बंद कर दूँ। ठीक है, सबसे पहले ये आपको अपना एक डिज़ाइनिंग एडिटर दिखाएगा कि आप पूरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिज़ाइनिंग डन, नेक्स्ट सेट योर प्राइस, योर बेस्ट कॉस्ट फॉर 850 टीज, ये कलर दिखा रहा है आपको। ठीक है, प्रीमियम यूनिसेक्स टी शर्ट दिखा रहा है जो कि दोनों के लिए है, गर्ल्स और बॉयज़ और किसी कोई भी यूज़ कर सकता है इसको। ठीक है, इनके पिक योर प्रोडक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये इनका यहाँ पे छोटे छोटे आइकन्स हैं जो आप नॉर्मली हर एक जगह देखते हैं एडिटर में, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप डिज़ाइन है, यहाँ से ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं, अपलोड इमेज कर सकते हैं, माई डिज़ाइन कर सकते हैं, पिक अ बैकग्राउंड। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई टी शर्ट का डिज़ाइन अपने दिमाग में, आपका आइडिया है, आपके दिमाग में रखा हुआ है आपने कोई डिफरेंट सा आइडिया, तो आपको सबसे पहले आइडिया अपना तभी डिज़ाइन करना है जब आपने उसकी मार्केट देख लेनी है कि उसकी उसकी जो उसको खरीदने वाले अवेलेबल हैं या नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने जो पहले डिज़ाइन बना दिया फिर बाद में आप मार्केट देख रहे हैं कि कोई खरीदने वाला है या नहीं। ठीक है, अब मुझे लगता है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको चाहिए कि एक जो है अपनी मार्केट देख लेना, जो आप डिज़ाइन जिस चीज़ का सोच रहे हैं बनाने के लिए। जैसे मैं सोच रहा हूँ अपना, मेरे को पता है, मैंने सोचा है आपके लिए कुकिंग का डिज़ाइन किया आपको डेमो के दिखाने के लिए। तो मेरे को पता है कि डेमो की जो मार्केट है इंडिया में वो है, लोग पसंद करते हैं कुकिंग, तो कुकिंग की टी शर्ट जो है बिक सकती है आराम से। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले थोड़े से सिंपल स्टेप्स बता दूँ कि आपने क्या क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, ये हम चलते हैं यहाँ पर, और मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले। तो अभी ये स्टेप पे हैं, फर्स्ट स्टेप पे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ, जो कि है कि आपने सिंपल डिज़ाइन भी यहाँ पे काम करते हैं और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन भी जो है अच्छे बिकते हैं। तो ये आपको धीरे धीरे पता लगेगा जब आप टेस्टिंग करते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम पे आपको कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन ही बनाना है, आप सिंपल डिज़ाइन भी बहुत अच्छे काम करते हैं कभी भी। और आपको कॉपीराइट नहीं ब्रेक करना है, जो कि किसी का कॉपीराइट लाइक जैसे आप किसी एप्पल का लोगो है, समझ लीजिए एप्पल का लोगो है, या किसी कंपनी का, या इंडिया में जैसे आप समझते हैं क्रिकेट के लीग्स हैं उनका लोगोज़ हैं, उनके नाम वगैरह हैं, वैसा आपने कुछ नहीं
लाइक लोगोज या किसी का पर्सनल ब्रांडिंग हो किसी की, वो आपने यूज़ नहीं कर सकते जिसके कॉपीराइट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हो। तो नहीं तो आपको उससे मुश्किल हो जाएगी, अगर आप किसी और के परमिशन के बगैर वो डिज़ाइन यहाँ पे प्रिंट करके लोगों को दिखाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। इसलिए किसी का डिज़ाइन नहीं प्रिंट करें, बी ओरिजिनल, ठीक है, और अपने आइडियाज़ में थोड़ा क्रिएटिव रहें, थोड़ा अपना दिमाग लगाएं और गूगल वगैरह है उसकी हेल्प लें, ठीक है, और सेफर साइड में अपना रहें, किसी का कॉपीराइट मत ब्रेक करें। दूसरी बात, अब अगर आप यहाँ पर डिज़ाइन अगर नहीं आपको आता है, या लाइक मैं तो डिज़ाइनर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर, बट अगर आप नहीं हैं, अगर लोग डिफरेंट टाइप के काम कर रहे हैं, अगर आप डिज़ाइन नहीं बना सकते हैं तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप जो हैं जोट की जोट को ईमेल भी कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि हमें हेल्प चाहिए एडिटर में, तो डिज़ाइनिंग वो आपको करके दे सकते हैं, बाकी आप उनसे ईमेल में पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप जा सकते हैं साइट्स पे लाइक fiverr.com। अब आप देखिए, मैंने आपके लिए फाइवर ओपन करके रखी है, fiverr.com, तो यहाँ पर आप जाके यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, लाइक आई एम लुकिंग फॉर टी शर्ट डिज़ाइनर, डिज़ाइनर्स यू कैन से डिज़ाइनर्स, फाइंड सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लोड करने लग पड़ेगा जो है इसका अपना सर्च डाटा, ठीक है। फाइवर आप देख सकते हैं fiverr.com, इस भी आके आप $5 देखिए अपना कोई भी जो है प्रिंट जो है, देखिए सारे काम इसमें $5 के होते हैं और डिफरेंट टाइप के काम इसमें से करवा सकते हैं लोगों से जो फ्रीलांसर बैठे हुए हैं और जो कंपनीज हैं, ठीक है। और इसी तरह ये अपवर्क साइट है, अपवर्क जो है इसमें भी आप सेम प्रोसीजर है काम करने का, यहाँ पर भी आप डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिव दे सकते हैं अपवर्क में, डिज़ाइनर क्रिएटिव डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं आपके काम करने के लिए और भी बहुत सारे काम आप करा सकते हैं, थोड़े से पैसे डाल के देखिए इनको आप अच्छे से अच्छा इससे काम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, upwork.com, अगर आप डिज़ाइनर नहीं है, आपको नहीं आता है डिज़ाइन करना तो, ठीक है। बाकी आप जोट को भी पूछ सकते हैं, जैक ऑफ ऑल थ्रेड्स को, कि कैसे ये करना है, ठीक है। तो ये है, देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया था डिज़ाइनर्स, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइनर आ गए मेरे पास, तो अगर आप यहाँ पे लिख देंगे जैसे यहाँ पे आ रहा है टी शर्ट डिज़ाइनर्स, अब देखिए टी शर्ट डिज़ाइनर्स आ रहा है, तो मैं अभी क्या करूँगा, वैसे तो मैं अपना डिज़ाइन तो खुद ही बनाता हूँ क्योंकि मैं तो कर लेता हूँ, बट आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे, तो जब तक ये लोड होता है तब तक मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ वापस, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि आप जो पिक करेंगे प्रोडक्ट वो यहाँ से आप देखिए प्रीमियम यूनिसेक्स टी शर्ट, सबसे अच्छी यही टी शर्ट रहती है पिक करने को, और क्योंकि ये दोनों के लिए अवेलेबल होती है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, तो यही सबसे अच्छी है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप अपना कलर चूज़ कर सकते हैं जी। तो अभी मैं बैक आ गया हूँ, अभी अब मैंने क्लिक किया है टी शर्ट्स पे, डिज़ाइनर्स पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के डिज़ाइनर्स आ गए हैं। आई विल डिज़ाइन ट्रेंडी टी शर्ट फॉर टी स्प्रिंग, आई विल क्रिएट कस्टम टी शर्ट डिज़ाइन फॉर यू, तो ऐसे करके आप $5 देके डिज़ाइनर टी शर्ट विद योर आइडियाज़ $5 देके आप अपना डिज़ाइन यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी कैंसिल करता हूँ उसको, तो मैंने अब आपके इस डेमो के लिए तो एक डिज़ाइन रखा हुआ है यहाँ पे, आई लव कुकिंग करके PNG में लेंगे हम इसको, डिज़ाइन सिंपल भी बहुत अच्छे बिकते हैं जैसे मैंने ये पहले किए हुए हैं, देखिए इट्स मोर सेन पीपल, इस टाइप के डिज़ाइंस भी बहुत ज़्यादा मैंने ये इसको सेल किया है, और जो है इस टाइप के डिज़ाइंस और कम्प्लेक्स डिज़ाइन भी बिक जाते हैं, आपको पता है कुछ भी आजकल मार्केट में बिकता है, बेचने वाला चाहिए और ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक डिज़ाइन था जो मैंने बनाया था अपनी कंपनी के लिए, ये भी एक आप लॉन्ग ऐसे भी बना सकते हैं, लॉन्ग डिज़ाइन भी बना सकते हैं जो कि फ़नी भी हो, फ़नी भी डिज़ाइन अच्छे बिकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं लेके जाता हूँ आपको, ये अब ये है मेरी जो इमेज मैं अपलोड करने वाला हूँ वहाँ पर, और ये देखिए जैसे ये डिज़ाइन है, ये सिर्फ ये लिखा हुआ है, और ये डिज़ाइन भी अच्छा है जो कि मार्केट प्लेस में लोग पसंद करते हैं आजकल, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। और बाकी आप अपनी मार्केट को अपने आपने जो है टारगेट करना है लेज़र मार्केट को, मेरी मार्केट है जैसे इस डेमो के लिए कुकिंग, तो मैं इसको उठाकर अपने जोट के एडिटर में लेके जाता हूँ, तो मैं कैसे लेके जाऊँगा, मैं करूँगा यहाँ पर अपलोड इमेज, ठीक है। सबसे उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास एड टेक्स्ट यहाँ पर इसने लिखा हुआ है जोड़ ने, तो ये इतना एरिया है आपके पास, ये जितना ये ब्लू सर्कल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपके पास इतना ही एरिया है प्रिंट का डिज़ाइन देने के लिए, ठीक है। अब ये मैंने इस पर नीचे एड टेक्स्ट पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे एड टेक्स्ट आ गया, तो मैं इसको यूँ करके इसको मैं लार्ज कर रहा हूँ, तो देखिए क्या आ रहा है, टेक्स्ट इज आउट ऑफ द प्रिंटेबल एरिया, प्रिंटेबल एरिया कौन सा है, ये जो ब्लू लाइन आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको इसके जब तक अंदर नहीं ले आता तब तक ये मुझे एरर शो करता ही रहेगा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का, तो मैं इसको डिक्रीज़ करता हूँ साइज़ का, ये अभी ये देखिए अभी एरर नहीं आ रहा है,
अभी ये वाइट में शो हो गया, तो ये अभी मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ, यहाँ पर ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहेंगे आई लव कुकिंग, तो ये देखिए इसने यहाँ पे लिख दिया आई लव कुकिंग, यहाँ पे मैंने लिखा आई लव कुकिंग को, ठीक है। यहाँ पे अलाइनमेंट देख सकते हैं, बोल्ड इटैलिक जो भी है, ब्रिंग फ्रंट सेंड बैक, कलर देख सकते हैं कलर कौन से देना, डिफरेंट टाइप्स के थाउजेंड्स ऑफ कलर्स हैं यहाँ पे, सॉरी थाउजेंड्स तो नहीं, हंड्रेड्स ऑफ कलर्स हैं। तो आई लव कुकिंग मैंने जस्ट जूम करके यहाँ पे लिख दिया। तो ऐसे भी आप सिंपल डिजाइन भी प्रिंट कर सकते हैं। अब ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, योर बेस्ट कॉस्ट एट 50 टीज इज रुपीज 300, ठीक है, रुपीज 300 है, जो कि हमारी बेस कॉस्ट है, जो कि हमारी इस टी शर्ट की होगी बेस कॉस्ट, और ये इसकी हुई डिज़ाइन की। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल डिज़ाइन रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो कलर्स जितने ज़्यादा होंगे, मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ, टी शर्ट आइडियाज़ आ गया, इमेजेस पे क्लिक करेंगे, तो जितने ज़्यादा कलर होंगे उतने ज़्यादा आपको आपकी कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको ये रखना है कि अपनी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम रखने के लिए और प्रॉफिट ज़्यादा रखने के लिए आपको अपना जो है कलर एक या दो कलर से ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। जैसे अब ये कलर्स हैं, इन कलर्स में आप देख सकते हैं एक या दो कलर ही यूज़ हुए हैं, ठीक है, गूगल में काफ़ी इमेजेस पड़ी हुई हैं। अब जैसे कोई ग्रेडियंट की कलर इमेज होगी, आइए इमेज देखिए, इस पर डिज़ाइन देखिए, इस पर डिज़ाइन, ये डिज़ाइन बहुत कॉस्टली है, और इसका इससे जो होगा जो प्राइस होगा टी शर्ट का नियर अबाउट 900 के 1000 के INR के नियर अबाउट हो जाएगा, तो लोग ये परचेज़ नहीं करते। तो आपको देखना पड़ेगा कि लोग कितना अमाउंट स्पेंड करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी टी शर्ट का जो प्राइस होगा वो 350 से लेके 500 रुपये या 550 तक लग सकते हैं। मैंने 600 की भी 600 INR तक अपना प्रिंट की करके डिज़ाइन को सेल किया हुआ है। डिज़ाइन बिकता है, बट अगर वो मार्केट प्लेस में लोगों को लेने का उसको पैशनेट हो, लोगों को उसके पीछे, ठीक है, जैसे क्रिकेट है, आप क्रिकेट का आप अच्छा डिज़ाइन बनाएंगे, कुछ भी है लाइक अदर कैटेगरीज नीचे आप देख सकते हैं, जो कि जैसे कुकिंग हो गई, आर्मी हो गई, गन्स हो गई, व्हीकल्स हो गए, जीप्स हो गई, इस टाइप का लोग जो पसंद करते हैं, जो पैशनेट है जिसके पीछे, तो उस टाइप का डिज़ाइन बना के आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है, तो मैं थोड़ा स्लो होता हूँ अब, ओके। तो आपको क्या बनना है, आपको ऑर्डिनरी बंदे के ऑर्डिनरी पर्सन के जैसे नहीं सोचना कि यहाँ पर आप जस्ट पहले डिज़ाइन बना लो, बाद में आप अपने टारगेट मार्केट देखो, ठीक है। तो अभी हमने ये यहाँ पे ऐड किया, बट मैं यहाँ पे अपना पिक्चर भी ऐड कर सकता हूँ, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। मैंने डिलीट के बटन पे क्लिक किया, तो ये दिखा रहा है बेस कॉस्ट इज 282 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा अपलोड एन इमेज, यहाँ पे डिज़ाइन भी हैं बहुत सारे, ये मेरे डिज़ाइन हैं जो मैंने पहले के मेरे अकाउंट में इसमें बने हुए हैं, मैंने प्रमोट किए हुए हैं। पिक अ बैकग्राउंड यहाँ पर लिखा है, आप बैकग्राउंड भी पिक कर सकते हैं अपने डिज़ाइन का, ये भी मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अपलोड करता हूँ इमेज। अब ये क्या बोल रहा है, आई हैव द, सबसे पहले ये बोल रहा है आई हैव द राइट्स टू यूज़ द इमेज दैट आई अपलोड। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप कॉपीराइट का रूल नहीं ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई रूल आपको ब्रेक नहीं करना है, अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और आपका जो कैंपेन जो है ये कंपनी चेक करेगी जब आप लॉन्च करने वाले होंगे, तो ये इसको डिलीट कर देगी, क्योंकि आपका कॉपीराइट ब्रेक हो रहा होगा अगर आपने किसी का लोगो या किसी का कोड्स भी आप यूज़ नहीं कर सकते, याद रखिएगा, यहाँ पे फेमस पर्सन की कोड्स होते हैं लोग यूज़ करते हैं, वो भी नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे करता हूँ आई हैव द इमेज राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, और एक और बात, इमेज डायमेंशन जो है मस्ट भी 500x500 पिक्सल होनी चाहिए, और 3000x3000 पिक्सल, ठीक है। अपलोड 5 कलर्स तक अपलोड कर सकते हैं आप, और ये आप सारा पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं अभी वेक्टर PNG इन्होंने लिखा है गूगल पे, ये जो सही रहता है, सबसे लाइट वेट इमेज रहती है, और वेक्टर इमेज चाहिए ताकि वो स्केलेबल हो, ठीक है, डिज़ाइन के लिए, फिर वो पिक्सलेटेड नहीं होती। तो मैं यहाँ पे करता हूँ अपलोड। अपलोड में मैं अपने क्लिक करता हूँ यहाँ पर जोट पे, जैक ऑफ ऑल थ्रेड्स पे, ये है आई लव कुकिंग का मेरा लोगो। उप्स, द इमेज मस्ट बी बिटवीन द 500 500, ओके। तो मैं ये आपको डेमो के लिए, अभी ये जैसे एरर दिखा रहा है, तो मैं वापस जाता हूँ अपने उस पे डिज़ाइन पे, मैं इसको एडिट कर लेता हूँ थोड़ा सा, 500 by 500 का कर लेते हैं। अभी ये मेरे पास ओपन हो जाएगा पेंट में, रिसाइज करूँगा इसको मैं 500, तो जैसा भी होगा आपको, अभी मैं जिस डेमो के लिए बता रहा हूँ, तो अभी ये आ गया, बहुत बढ़िया। अभी ये देखिए, फाइल ओपन, मैं इसको PNG में सेव करना चाहता हूँ, इसका वाइट बैकग्राउंड आ रहा है पीछे, देख रहे हैं, वाइट बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको सेव एज PNG करूँगा, PNG में यहाँ पर रख के
सेव करूँगा, इसको रिप्लेस कर दूँगा। ओके ठीक है, तो अभी मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो जैसे भी है मैं इसको अपलोड करता हूँ, तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे आप। ठीक है, आई लव कुकिंग। अब ये बोल रहा है क्लिक ऑन सिंगल कलर ऑप्शन टू रिड्यूस प्राइस, तो हमें इसको कैंसिल करना है सबसे पहले। अब ये पीएनजी में तो नहीं आया, चलो जेपीजी में आ गया। जैसा भी आया मैं आपको बस ये बताने के लिए, डेमो के लिए बता रहा हूँ। ये मेरा यहाँ पे डिज़ाइन अपलोड हो गया है। ठीक है, इसमें अब मैंने ये अपलोड कर दिया। अगर आप इसमें इसके नीचे टेक्स्ट भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कुकिंग इज़ ऑसम। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पर लिखा, ये आ गया यहाँ पर लिखा हुआ कुकिंग इज़ ऑसम। इसका कलर मैंने दे दिया, कलर मैंने इसको रेड कर दिया। आप कुछ भी डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं, आपको बस थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग। कुकिंग इज़ ऑसम, और ये मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, ये पूरा डिज़ाइन मेरा हो गया। बट मैं ये नहीं चाहता तो मैं इसलिए डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको अपना कॉपीराइट नहीं तोड़ना है और भी क्रिएटिव रहना है, किसी को कॉपी ना करते हुए अपना अपना फ्रेश जो है आइडिया जनरेट करें। ठीक है, तो इसका बेस्ट अभी कॉस्ट हो गई है 368, योर बेस कॉस्ट एट 50 टीज एट 368। ठीक है, फ्री शिपिंग होगी टू बायर्स लिखा है, पे नथिंग इवन इफ़ योर कैंपेन फेल्स। ये मैं आपको अगले इसमें सेट योर प्राइस में बताऊंगा कि कैंपेन फेल होता है तो अभी आप कैसे कोई इसको पे नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर था। अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है जूम बैक, ये आपको नॉर्मल सी बातें हैं। यहाँ पे मैं सेव करूँगा इसको, योर डिज़ाइन इज़ बीइंग सेव, प्लीज़ डोंट मूव अवे फ्रॉम दिस पेज। ओके, जब तक ये सेव होता है तब तक मैं आपको एक टिप देता हूँ। अब लिखा आ रहा है योर डिज़ाइन इज सेव्ड। ओके गुड, अभी हमारा डिज़ाइन सेव हो गया। तो अभी मैं आपको एक टिप देता हूँ। ठीक है, अगर जब आपने ये तो मुझे पता है कि लोग कुकिंग पसंद करते हैं, ठीक है, इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी करते हैं, कुकिंग पसंद है, तो मैंने कुकिंग के ऊपर ये शर्ट बनाई। ठीक है, बट आपने क्या करना है, आपने फेसबुक में जाना है। अगर आपने मार्केट देखनी है कि जैसे आपको, आप न्यू भी हो, आपको नहीं पता कि कौन सा मार्केट मैं डिज़ाइन बेचूँ, कौन सा बिकेगा, कौन सा लोग लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही लोगों के दिमाग में होता है, तो मैं आपको लेके जाता हूँ। फेसबुक पे जाएंगे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इंटरेस्ट पे, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, आपने लिखा इंटरेस्ट, आपने ओके किया, एंटर किया, तो ये क्या दिखा रहा है आपको, अभी हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे ये इंटरेस्ट पे क्या आया। इसने टॉप का ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और ये दो ही दिखाया हमें। सी मोर पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सी मोर पे क्लिक करेंगे ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के जो है इंटरेस्ट दिखा देगा लोगों के, कि लोग क्या पसंद करते हैं फेसबुक पे। आतिफ असलम को पसंद करते हैं, ठीक है, रेसलमेनिया है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जॉनी डेप का पसंद, चेस गेम को पसंद करते हैं तो चेस पे आप इमेज बना सकते हैं, एमिनम को पसंद करते हैं, बिग बॉस है, प्लेइंग क्रिकेट है, तो डिफरेंट टाइप के नीचे बुक्स हैं, रॉक स्टार्स हैं, कराटे स्पोर्ट्स हैं, बिजनेस पर्सन हैं, इनको आप अपना थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड लगा के इन पे फिलोसफी पे पेंसिल स्केचिंग जैसे डिफरेंट टाइप्स के हैं। ठीक है, मैं अभी हर एक पे नहीं जा रहा, तो मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए कि आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पीपल लाइक किए हुए हैं। अगर आप आतिफ असलम के जो हैं क्या बोलते हैं प्रमोटर्स या फॉलोअर्स बोल लो आप, इनको आप अगर टारगेट करते हैं अपना यहाँ पे डिज़ाइन बना के आतिफ असलम के रिकॉर्डिंग, कुछ गिटार या कुछ ऐसा, या स्पोर्ट्स के रिकॉर्डिंग, अगर आप फुटबॉल वगैरह के शौकीन हैं, या आपकी आप मार्केट देखें अपना मार्केट में क्या चल रहा है, आपको वही नीच पिक करनी है जो आपको एवरग्रीन हो। अब ये एवरग्रीन है, जैसे कुकिंग है, कुकिंग कभी भी डल नहीं होने वाली, ये हमेशा ही एवरग्रीन रहेगी नीच, तो आपको ऐसे टाइप की ट्रेंडिंग नीच पिक करनी है, ट्रेंडिंग होगी। और ध्यान रखें कि नीच जो है जितनी बड़ी होगी उतना बेहतर है, बट आपको जो है हमेशा बड़ी के पीछे नहीं भागना, थोड़ी आप ना बड़ी हो ना छोटी हो, बीच में जो हो वो भी बहुत बढ़िया काम करती है। और अगर आप कॉज किसी कॉज पर बनाएंगे, जैसे कॉज जैसे हम लगाते हैं वाटर का कोई, जैसे मैं जस्ट आपको गाइडेंस देने के लिए, जैसे वाटर का कोई कॉज है, या आपके कोई लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है आपकी पॉलिटिक्स पे, तो आप जैसे किसी को बैन करना है, जैसे हम लगाते हैं यहाँ पे बैन लालू यादव, मैं ये किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, बस आपको आइडिया देने के लिए कर रहा हूँ कि इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बैन लालू यादव, तो मैं आपको बताता हूँ कि पिक्सलेटेड जो इमेज होगी वो आपको हाई क्वालिटी की चाहिए, अगर यहाँ पे आप इमेज लगाना चाहते हैं तो। ठीक है, वैसे तो वेक्टर बहुत सही रहता है और प्राइस भी अच्छा देता है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा बैन लालू यादव तो कुछ नहीं आ रहा, अभी मैं लिखता हूँ बैंड, ठीक है,
बैंड का लोगो, जैसे ये आप समझ लो ये है बैंड का लोगो, ठीक है। तो इसके पीछे आप लालू यादव की फ़ोटो लगा सकते हैं या किसी भी उस बंदे की जो आपको, जैसे कोई पॉलिटिशियन आपको नहीं चाहिए या पूरी जो है आपकी कंट्री आपकी बोल रही है कि ये इस बंदे को, जैसे कुछ भी आप मेरी आइडिया समझ रहे हैं, तो पीछे आप लालू यादव की फ़ोटो लगा के आगे लिख दीजिए बैन। तो क्या होगा उससे, मतलब ये एक जस्ट आइडिया दिया मैंने आपको कि आप ऐसा काम कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज़ अगर आपको देखने हैं तो आप बस गूगल पे जाइए, टी शर्ट आइडियाज़ देख सकते हैं आप, और आइडियाज़ का बहुत सारा आपको धीरे धीरे पता लगता जाएगा जैसे आप मार्केट प्लेस को सब स्टडी करते जाएंगे। फेसबुक जो मैंने आपको बताया इंटरेस्ट, वो बहुत अच्छी बात चीज़ है आपको एक गाइडेंस देने के लिए, और आपको जीआर से बता देगा कि कैसे कितने लोग क्या क्या पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए आइडियाज़, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के भी आप सिंपल टेक्स्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यही है सारा कि कैसे आपने करना है। आप फेसबुक पे जाकर भी सर्च मार सकते हैं, देखिए कैसे कितना अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पे लव का। तो आप अब मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर था मैंने आपको बताया कि कैसे आपने करना है, और बाकी तो इसमें अभी कुछ रह नहीं गया, मेरा डिज़ाइन सेव है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने सेट अपना प्राइस कैसे करना है, और उसके नेक्स्ट में बताऊंगा कि एडिट डिस्क्रिप्शन कैसे करके आपने प्रमोशन कैसे करनी है इसको, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको यहीं पे बंद करता हूँ। और एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो है अगर आपको ये मेरे सारे जो मैं मेथड बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर ये मेथड करने के बाद आपको अच्छी, आपको कुछ सीखने को मिला है या आपको कुछ सीखना है और, तो आप मेरे को कभी भी मैसेज कर सकते हैं। मैं एडवांस स्ट्रेटजी भी सिखाता हूँ जो कि आपको सुपर मास्टर बना देगा इस फील्ड में। तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो वो भी आप, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो फ्री में मैं ये वीडियोस आपको दे रहा हूँ, तो इसमें आप फ्री में भी अपना जो है प्रमोशन का कर सकते हैं खुद ही अपना स्टार्ट, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई भी बेनिफिट होता है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा हैप्पी हो सकूँ कि मैंने भी, अगर मेरे इस काम से किसी की हेल्प हो सके तो मैं बहुत अपने को खुशनसीब समझूंगा। तो आप प्लीज़ मुझे रिप्लाई कीजिएगा, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं। तो बस आप ट्राई कीजिए, ऐप को एक्शन लेना है और आपके रिजल्ट्स आपके सामने आते जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू सून, बाय।